नाम बताइए। मेरा नाम कमरुद्दीन रामचंदनुल्ला। कमरुद्दीन, और आम पार्टी को किसी को भी टिकट मिल जाएगा तो 90% जिता के भेजेंगे। रोबिन भाई से तो हम रिश्तेदार भी है, भांजो भी है, लेकिन और को भी मिलेगा तो केजरीवाल जी ने इतने बढ़िया काम करे हैं और दिल्ली में जीत के आएगा 90% सीएम बना। अगर रोमी भाई को टिकट मिलता है, अगर यहाँ से आप लोग जीता देते, यहाँ से 90% लगता है कि वो काम करे, काम करेगा जी, भांजा हमारा। ये पहले भी, अब तो टिकट की वो चल रही है इलेक्शन की, पहले भी आता रहता हूँ, पहले भी समस्या पूछता हूँ। जीतने के बाद कई पार्टी बदल ले, जैसे आपकी विधायक बदल, ये नहीं बदला, इसको भरोसा, ये नहीं बदला, पहले इससे बूझ लिया सब चीज। रोमी जी, आज यहाँ पे आपने चर्चा रखी थी, विचार विमर्श, क्या उद्देश्य क्या था इस आयोजन का? जी नमस्कार जी, मैं रोमी भाई, आम आदमी पार्टी से, छतरपुर विधानसभा से। आज हमने विचार विमर्श सभा रखी थी कि यहाँ के जो विधायक हैं वो करीब 3 महीने पहले आम आदमी पार्टी के वोटर्स को ठग के और अब भाजपा में चले गए हैं, और यहाँ पे जो विकास कार्य हैं बिल्कुल नहीं हुए पिछले 10 सालों में। लोगों को ने आम आदमी पार्टी को भरोसा करके वोट किया, लेकिन अब वो उनका भरोसा तोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, तो उसी के संदर्भ में आज क्या हम लोग रूटीन में ये कर रहे हैं, हर सभी गांवों में और कॉलोनियों में हम लोग ये विचार विमर्श सभा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनसे वहाँ की समस्याएँ और जो विधायक के जाने से वहाँ पर खालीपन आया है उसको भरने की कोशिश हो रही है। अच्छा, देश में 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, अगली बारी जो है वो दिल्ली की होगी, कितने आश्वस्त है आम आदमी पार्टी को, क्या लगता है इस बार तीसरी बार जनता चुन के भेजेगी? जी बिल्कुल, देखिए जनता का मैं दिन भर लोगों के बीच में जो घूमता हूँ और जनता का जो समर्थन और प्यार है ना अपने नेता अरविंद केजरीवाल के लिए, वो बहुत ही जबरदस्त है। अरविंद जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी कि आप जनता मुझे दोबारा सीएम बनाएगी तो ही मैं कुर्सी पे बैठूंगा, तो ही मैं उस घर में जाऊंगा जो सीएम को अलॉट होता है। ये बहुत बड़ा त्याग है, एक प्रधानी का पद खाली नहीं करते, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को त्याग करके और वो जनता की अदालत में पहुँच गए, जनता के बीच में पहुँच गए और वो ये साबित करेंगे कि जनता उनको दोबारा चाहती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आज आप मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में आए हुए हैं जी, किस तरह से समर्थन मिल रहा है आपको? जी ये छतरपुर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार मुस्लिम वोटर हैं और ये हम जो चंदनउल्ला गांव में खड़े हैं ये मिक्स्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पे करीब 60-70% मुस्लिम वोटर हैं और 30-40% यहाँ पे हिंदू वोटर हैं, लेकिन ये गांव एक तरह से ना बहुत ही मिसाल कायम करता है अपने भाईचारे की, शांति की। और अभी एक मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं, मेरी मम्मी इसी गांव की, मेरी माताजी इसी गांव से बिलोंग करती हैं, तो मुझे जितने भी मुस्लिम परिवार हैं वो विदाई भी करते हैं, मुझे भेंट भी देते हैं और मुझे भांजा भी कहते हैं, तो इन लोगों के साथ तो इतना प्रेम है मेरा और ये लोग इतने आश्वस्त हैं अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लेके, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 12 साल में 10 साल में यहाँ पे सरकारों ने काम किए हैं उसको लेके ये लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दोबारा आएगी।